इंद्र की बताई हुई युक्ति से नहुष का पतन तथा इंद्र का पुनः देवराज्य पर प्रतिष्ठित होना। युधिष्ठिर, इंद्र के चले जाने से इंद्राणी पर फिर शोक के बादल मंडराने लगे। वह अत्यंत दुखी होकर हा इंद्र ऐसा कहकर विलाप करने लगी और कहने लगी, यदि मैंने दान किया हो, हवन किया हो और गुरुजनों को अपनी सेवा से संतुष्ट रखा हो तथा मुझ में सत्य हो तो मेरा पातिव्रत्य अविचल रहे, मैं कभी किसी अन्य पुरुष की ओर न देखूं। मैं उत्तरायण की अधिष्ठात्री रात्रि देवी को प्रणाम करती हूं, वे मेरा मनोरथ सफल करें। फिर उसने एकाग्र चित्त होकर रात्रि देवी उपश्रुति की उपासना की और यह प्रार्थना की कि जहां पर देवराज हो वह स्थान मुझे दिखाइए। इंद्राणी की यह प्रार्थना सुनकर उपश्रुति देवी मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। उन्हें देखकर इंद्राणी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसका पूजन करके कहा, देवी आप कौन है? आपका परिचय पाने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। उपश्रुति ने कहा, देवी मैं उपश्रुति हूँ। तुम्हारे सत्य के प्रभाव से ही मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ। तुम पतिव्रता और यम नियम से मुक्त हो, मैं तुम्हें देवराज इंद्र के पास ले चलूंगी। तुम जल्दी से मेरे पीछे पीछे चली आओ, तुम्हें देवराज के दर्शन हो जाएंगे। फिर उपश्रुति के चलने पर इंद्राणी उनके पीछे हो ली तथा देवताओं के वन, अनेकों पर्वत तथा हिमालय को लांघकर एक दिव्य सरोवर पर पहुंची। उस सरोवर में एक अति सुंदर विशाल कमलिनी थी। उसे एक ऊंची नाल वाले गौर वर्ण महाकमल ने घेर रखा था। उपश्रुति ने उस कमल के नाल को फाड़कर उसमें इंद्राणी के सहित प्रवेश किया और वहां एक तंतु में इंद्र को छिपे हुए पाया। तब इंद्राणी ने पूर्व कर्मों का उल्लेख करते हुए इंद्र की स्तुति की। इस पर इंद्र ने कहा, देवी तुम यहां कैसे आई हो और तुम्हें मेरा पता कैसे लगा? तब इंद्राणी ने उन्हें नहुष की सब बातें सुनाई और अपने साथ चलकर उसका नाश करने की प्रार्थना की। इंद्राणी के इस प्रकार कहने पर इंद्र ने कहा, देवी इस समय नहुष का बल बढ़ा हुआ है। ऋषियों ने हव्य कव्य देकर उसे बहुत बढ़ा दिया है, इसलिए यह पराक्रम प्रकट करने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ, उसके अनुसार काम करो। तुम एकांत में जाकर नहुष से कहो कि तुम ऋषियों से अपनी पालकी उठवाकर मेरे पास आओ तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। देवराज के ऐसा कहने पर शची जो आज्ञा ऐसा कहकर नहुष के पास गई। उसे देखकर नहुष ने मुस्कुराकर कहा, कल्याणी तुम खूब आई, कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम विश्वास करो, मैं सत्य की शपथ करके कहता हूं कि मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। इंद्राणी ने कहा, जगतपते मैंने आपसे जो अवधि मांगी है मैं उसके बीतने की ही प्रतीक्षा में हूं, परंतु मेरे मन में एक बात है, आप उस पर विचार कर लें। यदि आप मेरी वह प्रेम भरी बात पूरी कर देंगे तो मैं अवश्य आपके अधीन हो जाऊंगी। राजन, मेरी ऐसी इच्छा है कि ऋषि लोग आपस में मिलकर आपको पालकी में बैठाकर मेरे पास लाएं। नहुष ने कहा, सुंदरी तुमने तो मेरे लिए यह बड़ी ही अनूठी सवारी बताई है, ऐसे वाहन पर तो कभी कोई चढ़ा ही नहीं होगा। यह मुझे बहुत पसंद आया है, मुझे तो तुम अपने अधीन ही समझो। अब सप्तऋषि और ब्रह्मऋषि लोग मेरी पालकी लेकर चलेंगे। ऐसा कहकर राजा नहुष ने इंद्राणी को विदा कर दिया और अत्यंत कामासक्त होने के कारण ऋषियों से पालकी उठवाने लगा। इधर शची ने बृहस्पति जी के पास जाकर कहा, नहुष ने मुझे जो अवधि दी थी वह थोड़ी ही शेष रह गई है, अब आप शीघ्र ही शक्र की खोज कराइए, मैं आपकी भक्त हूँ,
आप मेरे ऊपर कृपा करें। तब बृहस्पति जी ने कहा, ठीक है, तुम दुष्ट चित्त नहुष से किसी प्रकार भय मत मानो। यह नराधम महर्षियों से अपनी पालकी उठवाता है, इसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए अब इसे गया ही समझो। यह बहुत दिन इस स्थान में नहीं टिक सकता, तुम तनिक भी मत डरो, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। इसके पश्चात महातेजस्वी बृहस्पति जी ने अग्नि प्रज्वलित करके शास्त्रानुसार उत्तम हवि से हवन किया और अग्नि देव से इंद्र की खोज करने के लिए कहा। उनकी आज्ञा पाकर अग्नि देव ने ताल तलैया, सरोवर और समुद्र में इंद्र की खोज की। ढूंढते ढूंढते वे उस सरोवर पर पहुंच गए जहां इंद्र छिपे हुए थे। वहां उन्हें देवराज एक कमल नाल के तंतु में छिपे दिखाई दिए। तब उन्होंने बृहस्पति जी को सूचना दी कि इंद्र अणु मात्र रूप धारण करके एक कमल नाल के तंतु में छिपे हुए हैं। यह सुनकर बृहस्पति जी देव ऋषियों और गंधर्वों के सहित उस सरोवर के तट पर आए और इंद्र के प्राचीन कर्मों का उल्लेख करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इससे धीरे-धीरे इंद्र का तेज बढ़ने लगा और वे अपना पूर्व रूप धारण करके शक्ति संपन्न हो गए। उन्होंने बृहस्पति जी से कहा, कहिए अब आपका कौन सा कार्य शेष है? महादैत्य विश्वरूप तो मारा ही गया और विशालकाय वृत्रासुर का भी अंत हो गया। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज, नहुष नाम का एक मानव राजा देवता और ऋषियों के तेज से बढ़कर उनका अधिपति हो गया है। वे हमें बहुत ही तंग करता है, तुम उसका नाश करो। राजन, जिस समय बृहस्पति जी इंद्र से ऐसा कह रहे थे, उसी समय वहां कुबेर, यम, चंद्रमा और वरुण भी आ गए और सब देवता देवराज इंद्र के साथ मिलकर नहुष के नाश का उपाय सोचने लगे। इतने में ही वहां परम तपस्वी अगस्त्य जी दिखाई दिए। उन्होंने इंद्र का अभिनंदन करके कहा, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विश्वरूप और वृत्रासुर का वध हो जाने से आपका अभ्युदय हो रहा है। आज नहुष भी देवराज पद से भ्रष्ट हो गया, इससे भी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तब इंद्र ने अगस्त्य मुनि का स्वागत सत्कार किया और जब वे आसन पर विराजमान हो गए तो उनसे पूछा, भगवन, मैं यह जानना चाहता हूँ कि पाप बुद्धि नहुष का पतन किस प्रकार हुआ। अगस्त्य जी ने कहा, देवराज, दुष्ट चित्त नहुष जिस प्रकार स्वर्ग से गिरा है वह प्रसंग मैं सुनाता हूँ, सुनिए। महाभाग देवऋषि और ब्रह्म ऋषि पापात्मा नहुष की पालकी उठाए चल रहे थे। उस समय ऋषियों के साथ उसका विवाद होने लगा और अधर्म से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण उसने मेरे मस्तक पर लात मारी। इससे उसका तेज और कांति नष्ट हो गई। तब मैंने उससे कहा, राजन, तुम प्राचीन महर्षियों के चलाए और आचरण किए हुए कर्म पर दोषारोपण करते हो। तुमने ब्रह्मा के समान तेजस्वी ऋषियों से अपनी पालकी उठवाई है और मेरे सिर पर लात मारी है, इसलिए तुम पुण्यहीन होकर पृथ्वी पर गिरो। अब तुम 10,000 वर्ष तक अजगर का रूप धारण करके भटकोगे और इस अवधि के समाप्त होने पर फिर स्वर्ग प्राप्त करोगे। इस प्रकार मेरे शाप से वह दुष्ट इंद्रपद से च्युत हो गया है। अब आप स्वर्ग लोक में चलकर सब लोकों का पालन कीजिए। तब देवराज इंद्र एरावत हाथी पर चढ़कर अग्निदेव, बृहस्पति, यम, वरुण, कुबेर, समस्त देवगण तथा गंधर्व और अप्सराओं के सहित देव लोक को गए। वहां इंद्राणी से मिलकर वे अत्यंत आनंद पूर्वक सब लोकों का पालन करने लगे। इसी समय वहां भगवान अंगीरा पधारे। उन्होंने अथर्व वेद के मंत्रों से देवराज का पूजन किया। इससे इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें यह वर दिया कि आपने अथर्व वेद का गान किया है।
इसलिए इस वेद में आप अथर्वंगीरा नाम से विख्यात होंगे और यज्ञ का भाग भी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार अथर्वंगीरा ऋषि का सत्कार कर उन्हें इंद्र ने विदा किया। फिर वे समस्त देवता और तपोधन ऋषियों का सत्कार कर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे।